हेलो। हेलो शुभम चौधरी, हार्दिक सोमानी। यस सर, तो आवाज आ रही कि नहीं आपके पास? आ रही आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ी सर। इंटरनेट कॉलेज में जो भी दिक्कत है और वैसे भी लग रहा ऊपर से भी दिक्कत है कंपनी से भी, सर तो एक आप लोग को पीपीटी अपडेट कर क्लियर दिए नहीं तो है। दिक्कत होती है ऑनलाइन क्लासेस में। पीपीटी क्लियर नहीं आ रही सर। और लोग अटेंडेंस लगाने आए थे, निकल लिए धीरे से हैं। हाँ हेलो, अंशुल शर्मा। अंशुल अंशुल, यस हाँ आवाज आ रही है ना? हेलो, सर, और स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? मैंने गूगल क्लासरूम में इसकी जो पीपीटी है जितनी क्लास हुई है उसको मैंने शेयर कर दिया है। उसके कोड वगैरह जो गूगल क्लासरूम के कोड है मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, तो आप वहां से पीपीटी निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसी प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना? वो बेसिक है, उसको पढ़ लोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक भी मैं बाद में ऐड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आरटीयू के एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन डाल देंगे। एनालिटिकल टाइप का भी, प्रॉब्लमेटिक टाइप का भी, डिजाइन टाइप का भी, इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड कर देंगे। देखो ये हो गया था, यहाँ पे थे हम, इरिडियम 92, 192, कोबाल 60, दिस आइसोटोप्स सॉरी रेडिएशन इन टू आर थ्री डिस्क्रीट वेवलेंथ। वेवलेंथ का डिस्क्रीट का मतलब ये है कि टुकड़ों में कुछ वेवलेंथ देता है, ठीक है ना, और डिफरेंट रेंज की देगा, ठीक है ना। रेंज होती है जो एनर्जी लेवल की जो होती है ना, वो रेंज होती है। जैसे ये दिया हुआ, देखो तीन में दिया हुआ, तीन रेंज की देता है। देखो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो होगा इस पे कुछ और वेवलेंथ मिलेगी, इस पे कुछ और वेवलेंथ मिलेगी, इस पे कुछ और मिलेगी। कोबाल्ट वाले पे दो मिलेगी, इस पे और इस पे। तो कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं ले सकते हो, रेंज होता है वेवलेंथ का। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस आप गामा रेज सोर्स इंक्लूड पोर्टेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू पेनिट्रेट थिक मटेरियल। जितना भी थिक मटेरियल हो, 150 mm की जो थिकनेस होगी, 15 सेंटीमीटर की थिक मटेरियल होगी, उसको भी क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। और साथ साथ में पोर्टेबल भी होता है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। आप देखो जब भी एक्सरे कराने जाते हो तो एक्सरे मशीन रखी होती है, वो पोर्टेबल होती है। अगर कहीं वो शॉप चेंज हो रही है, दूसरे शॉप पे जाएगी तो उसको ले जा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड में क्या होता था, लिक्विड वगैरह जो ले जाने में दिक्कत होती है, उसकी स्टोरेज की भी दिक्कत होती है, टॉक्सिक भी कुछ होता है उसमें, टॉक्सिक की वजह से भी दिक्कत होती है। इसमें दिक्कत नहीं है, मशीन एक पूरी फुल मशीन बनी होती है, आपको केवल उस मटेरियल को इंसर्ट करना और चेक करना है और डेटा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब एक्स रेज क्या होता है, हार्मफुल है, जो बॉडी सेल्स हैं उनको क्या डैमेज कर देता है, तो इस वजह से शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। देखो ये कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं, ठीक है ना, शो किया है मैंने। देखो यहाँ पे फिल्म डायग्राम, यहाँ पे यहाँ से एक्सरे निकल रही है, ये के वाली सेल जो है, के वाली सेल से निकल रही है, ये वर्क पीस मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर डिफेक्ट है, देखो इंटरनल इंटरनल वायर्स हैं, इंटरनल वायर्स है। जब भी एक्सरे जाएगा, ठीक है ना, तो इस फिल्म पे क्या होगा, इस तरह से कोई इमेज बन जाएगी। नेट की दिक्कत हुई, देखो यहाँ पे
देखो एक्स रेज है, ये सरफेस के अंदर इंटरनल वायर वर्क पीस है, उसके अंदर इंटरनल वायर्स हैं और नीचे क्या हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वायर्स की कुछ डार्क साइडेड आ गई है यहाँ पे। इस तरह से आप इमेज बना सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन क्या है, द पार्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड अ पीस ऑफ फिल्म। देखो जो पार्ट है वर्क पीस है वो रेडिएशन सोर्स से गामा रेज एक्स रेज ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं, और फिल्म है, ये फिल्म रहती है, एक तरह से स्क्रीन होती है, इनके बीच में क्या किया गया है, रखा गया है। द पार्ट विल बी स्टॉप सम टाइम ऑफ रेडिएशन, कुछ समय के बाद रेडिएशन के स्टॉप हो जाता है। थिकर एंड मोर डेंस एरिया विल स्टॉप मोर रेडिएशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जो कह रहा है कि थिकर एंड मोर डेंस एरिया, देखो ये थिकर एंड मोर डेंस एरिया दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है डिफेक्ट्स है और कुछ नहीं है, इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। डार्कर एरिया शोज द डिफेक्ट्स इन मटेरियल, ये आप बता दोगे इस तरह से ये चीजें हैं। फिल्म डार्कनेस डेंसिटी विल वेरी विद डिफरेंट, सॉरी फिल्म डार्कनेस विल वेरी विद द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रीचिंग द फिल्म थ्रू द टेस्टेड ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा एक्स रेज की डेंसिटी होगी, ये मैक्सिमम रेज आएंगे ठीक है ना, उतनी अच्छा क्लियर पिक्चर मिलेगा, इस तरह से बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिलेगा आपको। अगर डेंसिटी कम होगी तो थोड़ा सा गंदा पिक्चर मिलेगा, इसलिए इंटेंसिटी भी गामा रेज की और एक्स रेज की इंपॉर्टेंट है। हाई क्वालिटी की इंटेंसिटी मिलेगी तो आपको क्लियर पिक्चर भी दिखेगा। डिफेक्ट कौन कौन से फाइंड आउट किए जाते हैं, डिफेक्ट सच एज वायर्स मटेरियल के अंदर, जैसे वायर्स है अंदर क्रैक है इस तरह से ठीक है ना, इंक्लूजन है जैसे सैंड वगैरह आ गया इसके अंदर, कैन बी डिटेक्टेड। देखो लेक्स एक्सपोजर है, ये वाला एरिया जो है लेक्स एक्सपोजर है, मतलब इस पे डिफेक्ट नहीं है, ये ज्यादा एक्सपोज किया गया है तो मोर एक्सपोजर, मोर एक्सपोजर में क्या है आपका डिफेक्ट शो हो रहा है, मोर एक्सपोजर में डिफेक्ट शो हो रहा है ठीक है ना। देखो यहाँ पे कुछ मटेरियल दिया हुआ है, देखो ये एक वर्क पीस है, ये दूसरा वर्क पीस है, इधर से एक्सरे डाली जा रही है, तो देखो एक्सरे डाली गई तो यहाँ पे क्या है आपका, देखो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गंदा, मतलब इधर एक्सरे की डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे कुछ गंदा पिक्चर दिखेगा। यहाँ पे देखो कितना क्लियर पिक्चर कंट्रास्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, ये कंट्रास्ट उस तरह कंट्रास्ट नहीं है कि डार्क बढ़ा दिया था, इस तरह से क्लियर विजुअल होना चाहिए। हाई किलो वोल्टेज वाले जो एक्सरेज होगी उसमें आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा, इसमें लो किलो वोल्टेज वाले जिसमें आपको धुंधला टाइप का पिक्चर मिलेगा। द फर्स्ट सब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द रेडियोग्राफिक क्वालिटी इज द रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट, कंट्रास्ट से ही हम उसी क्वालिटी को बता सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का ये इमेज आया है। इजेंशियली रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट इज द डिग्री ऑफ डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एरिया, देखो डिग्री ऑफ डेंसिटी बिटवीन एडजेसेंट एरिया ठीक है ना, तो ये डेंसिटी का डिफरेंस दिख रहा है ठीक है ना, तो ये बताएगा कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, डायग्राम बना लेना आप। इट इज एसेंशियल दैट द सफिशिएंट कंट्रास्ट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफेक्ट एंड डिफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड सराउंडिंग, जैसे पीछे वाले डायग्राम में देखो मैंने दिखाया था, देखो ये देखो सफिशियंट कंट्रास्ट और डेंसिटी का डिफरेंस भी दिख रहा है ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगा आप डायग्राम बनाकर शो कर सकते हो, आप ये सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो। There is no viewing technique that can be extract information that does not already exist in original radiograph. इसका मीनिंग ये है कि आपको एक्सरे की क्वालिटी बढ़ा करके उसकी ये हाई क्वालिटी का कंट्रास्ट, हाई क्वालिटी की कंट्रास्ट का जो हमारे पास डायग्राम है या इमेजेज है वो देख सकते हो आप, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि धुंधला आ रहा है तो आप उसको कंट्रास्ट कर सकते हो। सफिशियंट अमाउंट की एक्सरेज को आपको उसके ऊपर डालनी होगी जिससे आपको जो भी इमेजेस मिले अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिले और जो वेवलेंथ होगी एक्सरे की अच्छी क्वालिटी हाई क्वालिटी की हाई मिलनी चाहिए। देखो डेफिनेशन क्या है, हाई डेफिनेशन क्या होता है, आप कहते हो कि कैमरा ले रहा हूं, कैमरा हाई डेफिनेशन का कैमरा का मतलब जो कैमरे का लेंस हो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वैसे ही इसमें भी देखते हैं कि तो एक्सरेज की क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ठीक है ना। तो रेडियोग्राफिक डेफिनेशन इज द एब्रप्टनेस ऑफ चेंज इज गोइंग फ्रॉम
वन डेंसिटी टू अनदर डेंसिटी, ये कह रहा। देखो यहाँ पे गंदा पिक्चर है, ठीक है ना, क्लियर नहीं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, गुड क्वालिटी का कंट्रास्ट है, ठीक है ना। हाई डेफिनेशन क्या होता है, द डिटेल पोर्ट्रेट इन द रेडियोग्राफ इज इक्विवेलेंट टू द फिजिकल चेंज प्रेजेंट इन द पार्ट, हिज द इमेजिंग सिस्टम प्रोड्यूस ए फेथफुल विजुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब इस तरह का आपको कोई एक्सरे करके दे देगा तो आप 10 गालियां दोगे उसे, कोई अच्छी क्वालिटी का देगा तो इस तरह से। हाई डेफिनेशन का मतलब ये है कि हाई क्वालिटी की एक्सरे डाली जाएगी, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, इस तरह से डायग्राम बना के आपको यहाँ लिखा हुआ है, रेडियोग्राफिक डेफिनेशन इज द एब्रप्टनेस ऑफ द चेंज इज गोइंग फ्रॉम वन डेंसिटी टू अनदर डेंसिटी। सपोज करो इस मटेरियल में इस साइड की डेंसिटी कुछ ज्यादा है, इधर की कम है, तो जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, चेंज वाली क्लियर विजुअल होना चाहिए कि चेंज हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जो क्लैरिटी होगी किस पे डिपेंड करेगी, वो हमारी क्वालिटी ऑफ एक्सरे पे डिपेंड करेगी। कुछ है नहीं बेटा, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। एरिया ऑफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कैन बी यूज्ड इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। व्हेन वन विशेस टू व्यू द इंटीरियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप देखना चाहते हैं, आपका विषय इच्छा है देखने का इंटरनल क्रैक्स वगैरह का, टू चेक द इंटरनल फॉल्ट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाता है, डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह अंदर, सपोज करो कि आपने छज्जा डाला, छज्जा के अंदर क्या, अंदर कहीं वायर्स है, डिफेक्ट्स है, ठीक है ना, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ओवर ब्रिज वगैरह भी चेक कर लेते हैं। वेल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर वेल्डिंग करते वक्त सपोज करो अंदर कहीं वायर्स हो गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। टू सी, थर्ड वाला पॉइंट है, टू सी थ्रू व्हाट इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या, उसकी डेंसिटी कितना है, ठीक है, वायर्स की लेंथ कितनी, वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। टू परफॉर्म मेजरमेंट ऑफ साइज, देखो साइज, थिकनेस, मेजरमेंट ऑफ पाइप्स, पाइप्स को भी चेक कर लेते हैं, उसकी डाइमेंशंस वगैरह को, थिक पाइप है, थिन पाइप है, उसके अंदर भी डिफेक्ट्स हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसकी थिकनेस को भी चेक कर लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स मशीन है एक्सरेज के लिए जो यहाँ पे दी हुई है, देखो ASTM अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड है ये, ठीक है ना, टेस्टिंग मशीन है TM से, E94-84A रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ये जनरल मशीन है। ये देखो वेल्डिंग एरिया में डिफेक्ट होगा उसके लिए ये वाली मशीन यूज करेंगे, ASTM E1030-84 रेडियोग्राफिक टेस्टिंग इन मेटेलिक कास्टिंग, कास्टिंग के प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें जो डिफेक्ट होगा वो लास्ट वाले से चेक करेंगे। ये बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड मशीन है, ठीक है ना, ये टेस्टिंग मेथड भी यूज करना है आपको। इस टेस्टिंग मेथड में जो कंपोनेंट वो यूज हो रहे हैं और जिस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन है, वो सारी की सारी अगर बनाना होगा तो यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, तभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता पाओगे कि हमने ASTM स्टैंडर्ड की मशीन बनाई है, ठीक है ना। सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा अंशुल, अंशुल सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है सर, थोड़ी बहुत कट रही है सर आवाज, थोड़ी बहुत कट रही, कोई नहीं, आप ये पीपीटी आवाज थोड़ी कट रही है पढ़ लेना, ठीक है ना, जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेना बाद में मेरे से। आवाज पता नहीं क्यों कट रही है, इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि अनस्टेबल बता रहा है, कई बार बीच बीच में 5 मिनट के बाद मेरे मोबाइल से जो नेटवर्क आ रहा है वो अनस्टेबल बता रहा है, तो हो सकती है आवाज कट रही है, मैं मानता हूँ आपकी बात। पीपीटी शो नहीं हो रही, दिख नहीं रही सर। देखो कुछ इमेजेज है रेडियोग्राफिक के, इस तरह से इमेजेज आती है जहाँ पे डिफेक्ट्स होते हैं, देखो इस तरह के, ये कहीं डार्क आता है, कहीं शैडो आता है, कहीं पे घिसा हुआ पोर्शन होता है, तो इस तरह से कुछ इमेजेज आती हैं। देखो यहाँ पे ब्लैक, मुझे तो ये ज्यादा क्लियर पता चल रहा है, इसमें क्या है ब्लैक शैडो, पिछले भी डायग्राम में ब्लैक शैडो जहाँ पे आता था क्रैक्स, देखो यहाँ पे कुछ क्रैक्स वगैरह है, ठीक है ना, तो सरफेस क्रैक भी मेजर कर लेते हैं इसके थ्रू, इंटरनल डिफेक्ट्स ही मेजर किया जाता है मैक्सिमम केस में एक्सरे के,
क्योंकि कॉस्टली है, क्योंकि अगर एक्सरे कराने जाते हो तो 700-800 रुपये लगता है, उसे मशीन कंपोनेंट के बारे में तो नहीं पता कितना पैसा लगता है, बट कॉस्टली है। सरफेस डिफेक्ट होगा तो कलर से ही कर लेंगे, तो कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है टेस्टिंग आपकी, ज्यादा कॉस्ट लेता है तो नहीं करवाएंगे इससे, ठीक है ना। तो कॉस्ट पहला पैरामीटर है, जो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होना चाहिए किसी भी इक्विपमेंट का, तो वो करना पड़ता है। कोई मशीन बनाते हैं लो कॉस्ट की होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीद लें। कुछ इमेज लिमिटेशंस क्या है, देयर इज लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब एक तरह से आपको रोक दिया गया है, ठीक है ना, कितने ही तक कर सकते हो आप। देयर इज एन अपर लिमिट ऑफ थिकनेस थ्रू विच रेडिएशन कैन बी पेनिट्रेट, गामा रेज फ्रॉम कोबाल्ट कैन बी पेनिट्रेट अप टू 150 mm। बताया था 15 सेंटीमीटर की स्टील रॉड को ही चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा ठीक होगा तो नहीं चेक कर पाएंगे। तो ये जो आइसोटोप दिया होगा चेंज कर लेंगे, कोई अच्छी क्वालिटी का आइसोटोप्स ले लेंगे, तो हो सकता है 150 mm से ऊपर की जो हमारी थिकनेस है वर्क पीस की उसको चेक कर सकते हैं। ऑपरेटर मस्ट हैव एक्सेस बोथ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दोनों साइड से। ये इक्विपमेंट कोई है बना हुआ है तो दोनों साइड से करते हैं, ऊपर से भी एक बार कर लेते हैं नीचे से भी करते हैं, तो दो बार काम करना पड़ता है इस पे, दो बार स्क्रीन से इमेजेस लेनी पड़ती है। हाई स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है जो एक्सरेज और गामा रेज क्या होते हैं हैजार्डियस हो सकते हैं अगर लीक हो रहा है तो, आप प्रिकॉशन लेंगे अच्छी तरह से। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, कॉस्टली इक्विपमेंट है खरीदने में, ठीक है ना, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, देखो ये वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो कुछ क्रैक्स स्टार्ट हो गए हैं, तो जब रेडियोग्राफी में देखो इस तरह से क्रैक हो जाएंगे, कुछ इस तरह से वेल्डिंग करते वक्त क्रैक हो जाएंगे, ठीक है, शो कर रहा है, देखो ट्रांसवर्स क्रैक, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, मतलब वेल्डिंग जिधर कर रहे हो ना जिस डायरेक्शन में वेल्ड करते जाते हो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये उसके परपेंडिकुलर कर लोगे तो ट्रांसवर्स हो गया जो यहाँ पे शो हुआ है। तो इस तरह से इमेज आएगी, देखो लाइनिंग टाइप की इमेज आ रही है यहाँ पे, देखो तो क्रैकिंग कैन बी डिटेक्टेड इन रेडियोग्राफिक ओनली, द क्रैक इज प्रोपेगेट इन द डायरेक्शन दैट प्रोड्यूस्ड अ चेंज इन थिकनेस दैट इज पैरेलल टू द एक्सरेज बीम, ठीक है, एक्सरेज बीम के पैरेलल कोई दिक्कत नहीं है। क्रैक विल अपीयर एज ए जैग्ड एंड ऑफन वेरी फेंट इरेगुलर लाइन, देखो ये इरेगुलर लाइन जो दिख रही है, देखो यहाँ पे भी ये देखो लॉन्गिट्यूडनल रूट क्रैक, ठीक है ना, ट्रांसवर्स क्रैक सारा देख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है, ये हमारा रेज के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्या बोलते हैं रेज के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारी जो है क्रैक। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है उसके परपेंडिकुलर क्रैक होगी तो ज्यादा विजुअल दिखेगी, इसमें ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। देखो क्रैक कम समटाइम्स अपीयर्स इन टेल्स इंक्लूजंस, ठीक है ना, पोरोसिटी, तो आगे डायग्राम शो हुआ है, डायग्राम में मैंने दिखाया है पोरोसिटी को कैसे शो करता है, तो ये बिल्डिंग एरिया को इस तरह से शो करता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बिल्डिंग पोर्शन के अंदर ही होल हो गया, तो देखो इस तरह से इमेज हो जाएंगे होल, पता नहीं चल रहा, देखो ऊपर सरफेस जो ऐसे पता नहीं चल रहा है क्रैक है, बट अंदर क्या है क्रैक है इस तरह से, या नीचे से क्रैक है, ठीक है ना, या होल है, ठीक है ना, वायर्स है, तो इस तरह से ऊपर से देखेंगे नहीं आएगा इमेज, हो सकता है नीचे से देखे हैं, दोनों साइड से देखते हैं, और थिकनेस ज्यादा होगी दोनों साइड से देखनी पड़ेगी, इस तरह से इमेजेस बनते हैं। लिखा हुआ बर्न कहते हैं इसे, बर्न, ठीक है ना, कभी कभार क्या होता है कि वेल्डिंग करते वक्त किसी जोन पे ज्यादा एक्सेस हीट हो जाता है, मच हीट हो जाता है, तो वहां से क्या होता है मटेरियल हट जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर डिपोजिशन नहीं होता वेल्डिंग मटेरियल का, तो क्या होता है वहां पे इस तरह से, इसे बोलते हैं आइसिकल्स बोलते हैं इसको, ये नाम है, ठीक है ना, आइसिकल्स, इन्हें आइसिकल्स बोलते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे आइसिकल्स रिजल्ट्स में टू मच हीट डेवलप, कभी कभार देखे होंगे वेल्डिंग करते टू मच हीट डेवलप हो जाता है, कॉजेस एक्सेसिव वेल्ड मेटल्स टू पेनिट्रेट द वेल्ड जोन, तो मेटल पे हीट ज्यादा हो जाएगा, जो मेटल आप क्या कर रहे हो वेल्ड कर रहे हो रॉड होता है वो क्या होता है ज्यादा पिघल जाएगा, उसमें हीट भी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा पेरेंट मेटल जो ये होते हैं इनको भी हटा सकता है, इसके अंदर भी इस तरह से वायर्स क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीजें इस तरह से डायग्राम में दिखेगी।
lumps of metal sag through weld creating a thick globular condition on the back of the weld. इसके बारे में बात कर रहा है, इस तरह के इमेजेस आएंगे. ऑन रेडियोग्राफी बर्न थ्रू द अपीयर ए डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट सराउंडेड बाय द लाइट ग्लोबुलर एरिया. देखो लाइट ग्लोबुलर एरिया, लाइट है साइड में एरिया, साथ में इसी के बारे में बात कर रहा है. नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा दोनों पॉइंट, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे गैस की पोरोसिटी होती है, आपको पता है जब भी कास्टिंग करते हैं गैस की पोरोसिटी होती है, ब्लो होल्स बन जाते हैं, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं. देखो इस तरह से इमेजेज आ जाते हैं एक्सरेज में. एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. वर्क पीस मेटल को चेक करने के लिए यूनिवर्सल मेथड टाइप का है. आर कॉज्ड बाय एक्युमुलेटेड गैस या एयर व्हिच इज ट्रैप्ड बाय द मेटल. मेटल के अंदर इस तरह से एयर ट्रैप हो गया, ठीक है ना. गैसेस ट्रैप हो गए, इस तरह से इमेजेस बना के दे देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो कास्टिंग हुई है अच्छी नहीं हुई है. सैंड इंक्लूजन एंड ड्रॉस. देखो सैंड सपोज करो मेटल के अंदर ट्रैप हो गया, तो नॉन मेटेलिक होगा तो उसकी भी साइड ऐसे दे देगा. आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वगैरह अपीयर इन रेडियोग्राफ्स इरेगुलर एंड डार्क ब्लॉटेज. ये डार्क ब्लॉटेज है गया, अलग अलग नाम है. देखो नया नया नाम आ रहा है, डार्क ब्लॉटेज. तो ब्लॉटेज ब्लॉटेज जो भी है, सॉरी बेटा आप कुछ चीजें नहीं बोल पाया जाता है. डार्क ब्लॉटेज तो ये नाम है इसका, डार्क ब्लॉटेज, ठीक है ना. इरेगुलर शेप का है तो इरेगुलर है. रेडियोग्राफिक में इस तरह से आ जाएगा. अब मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, इसे बोलते हैं डार्क ब्लॉटेज. ये तो पता है गैस पोरोसिटी ब्लो होल्स ऑलरेडी कास्टिंग में पड़े हैं. डिसकंटिन्यूटीज आर यूजुअली स्मूथ वॉल्ड राउंडेड कैविटी ऑफ ए स्फेरिकल एंड इलांगेटेड आर फ्लैटेंड शेप. तो इसके बारे में बता रहा है डिसकंटिन्यूटी जो भी स्मूथ वॉल राउंडेड कैविटी हो गई है, ठीक है ना. स्फेरिकल भी हो सकती है, जो भी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है. तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. इंक्लूजन सैंड इंक्लूजन तो पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसे बोलते हैं डार्क ब्लॉचेस. इरेगुलर शेप में हो जाएगा, इस तरह से इमेजेज आ जाएंगी, तो ठीक है ना. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के लिए कह रहा है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में सैंड ही आता है, ठीक है. सैंड इंक्लूजन ड्रॉस वगैरह आते हैं. तो इस तरह से इमेजेस देखते हैं, कुछ डायग्राम इस तरह से आप बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये आपका पूरा का पूरा रेडियोग्राफी खत्म हो गया. रेडियोग्राफी पोर्शन आज मैंने ओवर कर दिया है, ठीक है ना. अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आएंगे तब दूसरा मेथड देखेंगे. एक है मेथड, उसमें कौन सा मेथड है मेथड, दो मेथड और है इसमें. एडी करेक्ट मेथड है और दूसरा है मेथड्स बहुत सारे बना रखे हैं इन्होंने. जैसे सपोज करो कि एक्सरेज वाले में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं तो नया मेथड आ जाता है, उस पर रिसर्च चलती रहती है. तो जो आपके कोर्स में है वो पढ़ लिया जाएगा. देखो पहला मेथड मैं सुना रहा हूँ आपको, पहला था आपको विजिबल मेथड, जिसमें कैमरा लगाएंगे, रोबो क्राउलर लगाएंगे, देखेंगे इमेजेज वगैरह दिख गई तो दिख गई. अगर उससे फाइंड आउट नहीं होता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन यूज करेंगे. मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और विजिबल इंस्पेक्शन दोनों सरफेस क्रैक को ही फाइंड आउट, डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं. तो इसमें दो हो गया. उसके बाद क्या होता है, लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड आता है. लिक्विड पेनिट्रेशन मेथड सरफेस को डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और लिक्विड पार्टिकल लिक्विड डाई पेनिट्रेशन मेथड इजी है. लिक्विड पोर कर दिया, क्लीन करने के बाद पोर कर दिया, पोर करने के बाद उसको क्या करेंगे, मुझे तो भूल गया स्टीफी सारा, तो उसको क्या करेंगे लिक्विड पोर लिक्विड डाई पोर कर देंगे. पोर करने के बाद साइड से क्या कर देंगे, इमल्सिव कर देंगे. इमल्सिव करने के बाद उसके बाद एक डेवलपर होता है, डेवलपर डाल देते हैं. डेवलपर क्या करता है, उसको सोख लेगा, गीला बना देगा. लाइट डालेंगे, साइनिंग आ जाएगी, फ्लोरोसेंस मटेरियल ऐड होगा. तो बट इंटरनल क्रैक्स को मेजर करने के लिए एक्सरे मेथड जो है इंपॉर्टेंट है. आप सारे लोग अटेंडेंस लगा दो. अब इस पे बने क्वेश्चन जो होंगे, जितने सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, व्हाट टाइप पोरोसिटी, ये सब सारी चीजें, व्हाट वेयर व्हेन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, जिसकी असाइनमेंट आपको सबमिट करनी होगी. अभिलाष पाठक, अभिलाष. यस सर. हाँ समझ में आया सर. आवाज सर बीच बीच में आवाज सर बहुत कट रही थी सर. हाँ, आप सर वो
सीट भेज देना सर ये पीडीएफ। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा अगले महीने में 15 तारीख तक, उसके बाद जिस टॉपिक में दिक्कत होगी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, 15 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपके टोटल के टोटल जितने मेथड बता रहे हैं उतने यूनिट्स हैं नियर अबाउट, तो 3 मेथड हो गया तो 3 यूनिट आपके अप्रोक्सीमेटली खत्म हो गए। इस 15 दिन में और 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे। जिस यूनिट में दिक्कत होगी उस यूनिट को फिर से रिपीट किया जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, आप प्रेजेंटेशन दोगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।